ये क्वेश्चन है आपके सामने। ओम लिमिटेड परचेज अ मशीन ऑन हायर परचेज बेसिस फ्रॉम कुमार मशीनरी, ठीक है। आउटकम्स क्या है आपकी, कैश प्राइस 80,000 रुपये। आप कैश प्राइस दे रखा है, ध्यान रखना इस बार कैश प्राइस नहीं निकालना पड़ेगा, दे रखा है तो हमें निकालना पड़ेगा इंटरेस्ट, ठीक है। सेकेंड थिंग, डाउन पेमेंट वॉज 21,622, ये कैश प्राइस है, इससे डाउन पेमेंट माइनस करेंगे तो अब जो अमाउंट बचेगा उसकी बनती है इंस्टॉलमेंट, उनकी बनेंगे इंस्टॉलमेंट, ये भी ध्यान रखना है आपको। कैश प्राइस माइनस ये तो आपको बनेगी इंस्टॉलमेंट, तो क्या कहता वो कितनी होंगी, 5 होंगी, कितनी होंगी वो 5 होंगी, और कितने की है 15,400 की, ठीक है। तो ये भी जो इक्वल आ रही है, देखो यहाँ पर 15,400 बोल दिया तो इक्वल है ये भी, ठीक है, ये भी ईएमआई हो गई आपकी, तो यहाँ भी एनुटी का फार्मूला यूज कर सकते हैं। फिर क्या बोल रहा है आपसे वो, द फर्स्ट टू कॉमन एट द एंड ऑफ 12 मंथ, यानी कि एक साल के बाद कोई दिक्कत नहीं है। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%, आपको दे रखा है रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, और निकालना क्या है, टोटल इंटरेस्ट एंड इंटरेस्ट इंक्लूडेड इन कैश इंस्टॉलमेंट, यानी जो पहले करते आ रहे थे कैश प्राइस कितना दिया हमने और कितना इंटरेस्ट दिया, दो पार्ट कर देने हैं उसके, इस 15,400 को दो पार्ट कर देने हैं, वही पहले की तरह बोल रहा है आपसे। तो दोबारा देख लो एक बार, कैश प्राइस 80,000 रुपये, डाउन पेमेंट 21,622 रुपये, बचे आपके पास 60,000 के आसपास, उस पर आप लोगे 5 इंस्टॉलमेंट, वो होंगी 15,400 की, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, आपको बताना है कितना पार्ट इंस्टॉलमेंट का है कितना पार्ट कैश प्राइस का है, ये बताना है। चलते हैं सॉल्यूशन पे, फिर से 4 कॉलम बन गए आपके, ठीक है। तो ये है आपका पहला कॉलम पर्टिकुलर्स का, डिटेल्स का, उसके बाद सेकंड कॉलम है आपका पेमेंट कितनी आपको करनी है, थर्ड फिर से आ गया इंटरेस्ट कितना है, और फोर्थ क्या होगा कैश प्राइस। तो ये दोनों कॉलम बराबर रहते हैं हमारे हमेशा, कितना इंटरेस्ट है कितना प्रिंसिपल है ये तो हमारे सेम रहते हैं, हमारे दो पार्ट कर रहे हैं इंस्टॉलमेंट के, एक प्रिंसिपल ये वाला और एक इंटरेस्ट ये वाला, ठीक है। और बाकी जो कैलकुलेशन हमारी है वो यहाँ पर करेंगे, डिटेल्स हमारी यहाँ पर लिखी है। तो शुरू करते हैं, कैश प्राइस था हमारा 80,000 रुपये, मैंने कहा 80,000 रुपये है लेकिन आपने कर दी डाउन पेमेंट 21,000 रुपये की, तो बचे आपके 58,378 रुपये, ये है आपका, इसकी आपको पेमेंट करनी है पूरे 5 इंस्टॉलमेंट के अंदर, इसकी करनी है आपको 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट के अंदर पेमेंट, ये तो आपको पता है, ठीक है। और एक इंस्टॉलमेंट कितने की है, 15,400 की है, ये भी आपको पता है, ठीक है। क्वेश्चन बता रखा है कि आपकी जो इंस्टॉलमेंट 5 है वो कितने कितने की है, 15,400 की, और आपको यहाँ ये भी पता है कितना आपका कैश प्राइस था जो हमें निकालना सिखा था पिछले क्वेश्चन में, ठीक है। तो अब की आपको ये भी दे रखा है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि इंटरेस्ट निकालो, इंटरेस्ट कितना था कितना क्या था आपसे बोल रहा है वो, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन हो गया ये, सिंपल सा, ये है आपका टोटल अमाउंट जिसपे हमें देना है इंटरेस्ट, ठीक है। इसे करना है मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट से, वो है आपकी 10% × 10%, यानी 10/100, सिंपल 5838, ये आपका इंटरेस्ट है, ठीक है। दोबारा देख लो, आपको देने थे 58,378 रुपये, एक साल के बाद इंटरेस्ट दोगे कितना दोगे 10%, वो आया आपका 5,838, कितना शायद आपको क्लियर होगा, ये है आपका इंटरेस्ट। और पता है आपकी ईएमआई कितने की है, 15,400 की ईएमआई है, कितने की है 15,400 की, तो इस अमाउंट के अंदर से आप ये इंटरेस्ट वाला पार्ट कम करोगे, यानी कि ये कम कर दिया, तो अब क्या बचा आपके पास, वही कैश प्राइस या प्रिंसिपल जो मैंने बताया, हर इंस्टॉलमेंट के दो पार्ट होते हैं, एक इंटरेस्ट और एक प्रिंसिपल। तो बस हमने इंटरेस्ट निकाल लिया, तो हम इस ईएमआई के अंदर से माइनस कर दिया इसको, तो हमारा प्रिंसिपल बच गया, वो है 9,562, ठीक है। तो इसका मतलब साफ साफ है कि हमारे पास 58,378 रुपये थे, उसमें से हमने इस साल जो पेमेंट की है वो की है सिर्फ और सिर्फ 9,562 की, 9,562 की। यू हैव टू डिडक्ट फ्रॉम दिस अमाउंट द पेमेंट यू हैव मेड अबाउट द प्रिंसिपल, हमने दोनों का डिफरेंस निकाल लिया, तो वो कितना आ गया आपका 48,816, तो आपका डिफरेंस आया 48,816। ये अब पैसा बचा है एक साल के बाद, ठीक है। दोबारा देख लो, ये आपको देने थे, उसमें से आपने कुछ दिया इंटरेस्ट वो भूल जाओ, जो प्रिंसिपल दिया वो ये है, ठीक है। तो प्रिंसिपल को कम करते हैं, इसमें से ये कम कर दिया, तो बचा 48,816, ठीक है। एक बार देख लो, फिर चलेंगे आगे। ठीक है जी, तो अब ये जो अब बचा आपका 8,816, नेक्स्ट ईयर फिर देंगे आप क्या इंटरेस्ट कितना देंगे 10%, तो कितना आएगा 4,882, बस सिंपल है। तो फिर सेकंड पार्ट क्या बचा आपका, 15,400 में से 4,882 आपने कम कर दिए, जो बचा वो आपका प्रिंसिपल यानी कैश प्राइस,
ठीक है। तो इस बार जो आपने प्रिंसिपल दिया वो दिया 10,518, पहले था आपका ड्यू 48,816, इन दोनों को फिर डिफरेंस निकाल लेंगे। अब कितने रह गए हमारे पास, 38,298 एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स, 2 साल के बाद हमारा जो बैलेंस बचा हुआ है वो है 38,298, यही यहाँ पर लिखा हुआ है। इसका आपको फिर से निकालना है 10%, तो आ गया 38,830, 3,830, ये आपका इंटरेस्ट है। तो फिर से यही आता है कि ये इंटरेस्ट है, ईएमआई कितनी हमारी 15,400, इसको कर दो माइनस, जो बचा फिर से वही, ये है प्रिंसिपल। ये क्या है आपका, प्रिंसिपल, ठीक है जी। तो आपके ड्यू थे 38,298, 38,298, एंड यू हैव पेड 11,570, तो द रिमेनिंग बैलेंस इज 26,728 आफ्टर 3 ईयर्स, 3 साल के बाद जो बैलेंस बचा वो है आपका 26,728, आपको फिर देना है इंटरेस्ट 10%, तो आ गया 2672, 2672। अब क्या करना है, फिर से वही ईएमआई के दो पार्ट, एक इंटरेस्ट और दूसरा प्रिंसिपल। तो ईएमआई 15,400, एक पार्ट ये माइनस कर लिया, बचा हुआ पार्ट जो है वो हमारा प्रिंसिपल। तो हमें देने थे 26,728, दे दिए हमने 12,728, बचे कितने, 14,000 रुपये, ठीक है। अब इसे फिर देंगे 10% इंटरेस्ट, वो आया 1,400 रुपये। ईएमआई कितने की है, 15,400 की, एक पार्ट इंटरेस्ट, बचा हुआ पार्ट 14,000, ये क्या है आपका प्रिंसिपल, ये है आपका प्रिंसिपल, ठीक है। तो बस आपने पेमेंट कर दी, नेक्स्ट टाइम आपने इसकी पेमेंट कर दी, तो क्या बचा आपके पास, जीरो। तो ब्याज का देंगे जीरो, तो कुछ जीरो जीरो हो गया आपके पास, तो है ना। तो बस खत्म हो गया क्वेश्चन यहाँ पर आपका। तो ये आपका इस कॉलम को ऐड करोगे तो 18,622, इस कॉलम को ऐड करोगे तो 80,000, ये आपका है कैश प्राइस। इस पूरे को ऐड करोगे 18,622, इस पूरे को ऐड करोगे तो 80,000, ठीक है। एक बार ब्रीफ में दोबारा बता देता हूँ, मशीनरी 80,000 की थी, 21 ही कर दी आपने डाउन पेमेंट, बचे 58,000, इस पे देना है इंटरेस्ट 10% के हिसाब से, तो फर्स्ट ईयर इंटरेस्ट 5,838, ठीक है। आपकी जो ईएमआई है वो है 15,400, अब जो भी माइनस करना है इससे माइनस करना है, तो जो हमने दिया 15,400 इस साल, वो कहेगा उसमें से 5,838 थे ब्याज के, ब्याज काट के कितने बचे 9,562, मुझे तो खाली ये मिले हैं, तो मैं आपके बैलेंस से ये कम करूंगा, तो बचेंगे आपके पास 48,816। फिर वो दोबारा आपसे ब्याज मांगेगा, वो आएगा 4,882, फिर कहेगा इसके दो पार्ट हैं, एक पार्ट तो ये है, बचा हुआ पार्ट ये, मुझे तो खाली ये मिला, बाकी तो ब्याज थी। तो फिर ठीक है, कोई बात नहीं, इस बैलेंस के अंदर से इसको फिर काट दो। अब क्या बचा आपके पास, 38,298, फिर 10% इंटरेस्ट 38,300, ई एम आई 15,400, 3,830 दिए ब्याज के, बाकी 11,770, ये था आपका प्रिंसिपल, तो इसको माइनस कर दो। अब जो बचा बैलेंस 26,728, 26,728 इंटरेस्ट 26,72, इसके दो पार्ट, एक पार्ट ये माइनस कर दिया, बचा हुआ 12,728, ये है आपका प्रिंसिपल पे, तो इसको फिर माइनस कर दो, बचा कितना 14,000, इंटरेस्ट 1,400, पेमेंट 15,400, 1,400 काट दिया, बचा गया आपके पास 14,000 रुपये, पहले बैलेंस कितना था 14,000 रुपये, पूरी पेमेंट कर दी, बचा क्या, नहीं, तो बस खत्म हो गया, कुछ नहीं देना इंटरेस्ट, इंटरेस्ट इन सबको ऐड किया, ये इंटरेस्ट इन सबको ऐड किया, ये आपका कैश प्राइस, ठीक है, 80,000 रुपये। ये तो हमें दे रखा था, तो इसकी टेंशन ही नहीं, हमसे ये मांगा गया, ये निकाल लिया हमने, थैंक यू वेरी मच।